बड़वानी से सहकारिता कर्मियों की हड़ताल से नहीं खुल रहे पीडीएस के ताले, 11 लाख उपभोक्ताओं के राशन वितरण पर लगी रोक, एक मांग पर निकला हल, तीनों मांगों को लेकर डटे हैं कर्मचारी। अपने विभिन्न मांगों को लेकर जिले में भी सहकारिता कर्मियों की लगातार 8 दिनों से हड़ताल जारी। इससे जिले के 11 लाख से अधिक उपभोक्ताओं के राशन वितरण पर लगी रोक। इस हड़ताल से न केवल उचित मूल्य दुकानों से संचालित पीडीएस प्रणाली को बाधित किया, बल्कि माह के प्रथम रविवार मनने वाले अन्न उत्सव भी फेल हो गए, जिसके अंतर्गत प्रत्येक हितग्राही को पात्रता के अनुसार खाद्यान्न वितरण किया जाना है। एसोसिएशन के ब्लॉक अध्यक्ष और सहायक विक्रेता बादल शर्मा ने बताया, जिले भर में 54 सहकारिता सोसाइटी और 443 राशन दुकानें हैं, जहां हड़ताल से ताले लगे हुए हैं। से दोनों स्तर के 5000 से अधिक कर्मचारी हड़ताल पर हैं। इनके हड़ताल से जिले भर के 2,54,000 राशन कार्ड से जुड़े 11,29,000 उपभोक्ताओं के सामने राशन का संकट खड़ा हो गया है। फिलहाल कलमबंद हड़ताल पर उतरे सहकारिता और उचित मूल्य के दुकानों के कर्मचारी सोसाइटियों के बाहर अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता दें कि गत सप्ताह सैकड़ों की संख्या में सहकारिता कर्मी पीओएस मशीन साथ लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, हालांकि इस दौरान पीओएस मशीनें जमा नहीं की गई, लेकिन मौजूद अधिकारियों ने ज्ञापन लेकर निराकरण का आश्वासन दिया था। मध्य प्रदेश सहकारिता समिति कर्मचारी महासंघ के पदाधिकारियों ने बताया, जब तक मांगों का निराकरण नहीं होता कलमबंद हड़ताल जारी रहेगी, निराकरण होने तक जारी रहेगा धरना। हड़ताल का आज 8वां दिन है, एक मांग पूरी हुई है, कितनी मांगे और बची हुई है और कब तक जारी रहेगी? हमारी शेष 3 मांगे और बची हैं। शासन ने एक मांग पर सहमति दी है, क्योंकि हमारे महासंघ का आह्वान पर अभी हड़ताल जारी रहेगी जब तक हमारी सारी मांगे पूरी नहीं होगी। हम शासन की मंशा पर हमेशा काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। आज बड़वानी जिले की 54 सोसाइटियाँ हैं, जिसमें 432 उचित मूल्य दुकानें हैं और 54 सोसाइटी के कर्मचारी भी हैं। हम नहीं चाहते कि जनता परेशान हो, लेकिन जनता को जो परेशानी हो रही है उसके लिए हम यूनियन वाले आत्मीय खेद है, लेकिन फिर भी हमारी शासन से निवेदन है कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। और ये प्रदेशव्यापी आंदोलन है जो महासंघ भोपाल के आह्वान पर चल रहा है, और शासन ने एक मांग को सहमति दी है, इसी तरह हमारी सारी मांगों को पूरी कर दे तो हम जल्दी से जल्दी वापस हमारे काम पर लौट आएंगे। भैया, हम बात करें जिले के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर है? बड़वानी जिले के 54 सोसाइटी के लगभग 5000 के समथिंग कर्मचारी हैं जो हड़ताल पर है। हम बात करें, जैसे भी अन्न उत्सव चल रहा है, बहुत सी योजनाएं चल रही है, उसको लेकर दिक्कतें आ रही है लोगों के बीच में। जी बिल्कुल, मैं आज आपके न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि शासन का जो अन्न उत्सव कार्यक्रम है वो हड़ताल के कारण प्रभावित हुआ है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं वो आज से नहीं, पिछले 30 वर्षों से लड़ी जा रही है, जिसमें हमारे कई कर्मचारी भाई रिटायर भी हो चुके हैं जो आज खाली हाथ लौटे हैं। ना तो उन्हें बीमा मिलता है, ना सुरक्षा पेंशन, ना वेतनमान, ना क्रेडर। तो हमारी मांगे जो है वो उचित है, हम शासन की हर मंशा पर काम करना चाहते हैं, लेकिन शासन अगर कम से कम हम कर्मचारियों की भी देखें कि हम दिन रात कार्य करते हैं। हमने कोरोना काल में भी काम किया, सारे विभाग जितने शासकीय विभाग है सबकी तारीफ हुई, हमने पूरा सहयोग किया, रात दिन हमने भी मतलब लड़ाई लड़ी और मतलब इस महामारी में भारत देश के लिए योगदान किया है। तो भारत सरकार की सारी जितनी योजनाएं उनका सबका हमने नियम अनुसार काम किया है, और हम राज्य शासन से भी निवेदन करते हैं कि महासंघ भोपाल के आह्वान पर हमारी मांगें पूरी की जाए, ताकि हम जल्दी से जल्दी काम पर लौट कर जनता की सेवा कर सकें। खबर भारतवर्ष के लिए बड़वानी से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।